बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मिस हसीबा। बायोलॉजी ग्रेड 10 में पढ़ा रही हूँ, यूनिट नंबर 12 हमने शुरू किया था। आज का टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम और केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में डिफरेंशिएशन। ये तो पहले भी आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मींस थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। चले ज़रा इसको एक रीड दे देते हैं। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। मोड ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन का इलेक्ट्रिकल है, दूसरे का हार्मोनल है। रिसेप्टर्स इसमें सेंस ऑर्गन्स है, जबकि इसमें रिसेप्टर्स किडनी या फिर लिवर हो सकता है। कोऑर्डिनेटर्स इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इफेक्टर्स इसमें मसल्स एंड ग्लैंड्स है, यहाँ पर इफेक्टर्स किडनी, लिवर और स्टमक है। नेचर ऑफ मैसेज, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रिकल है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स के थ्रू या फिर केमिकल्स के थ्रू होता है। कैरियर ऑफ मैसेज न्यूरॉन है, जबकि दूसरे में केमिकल कोऑर्डिनेशन में ब्लड है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्स या तो कंट्रक्शन ऑफ मसल्स या फिर सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्रोथ या फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी, जो कि मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 11 यूनिट 11 में मैंने आप लोगों को किडनी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था कि हारमोन्स रिलीज होते थे, ठीक है। और फिर वो हारमोन्स आके नेफ्रॉन पे एक्शंस शो करते थे और वो आगे जाके रीअब्जॉर्प्शन करते थे, ठीक है, वाटर, अगर वाटर चाहिए होता था बॉडी को। अच्छा, ये तो था डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ज़रा आप लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखिए, जो मैं आप लोग को के साथ डिस्कस करती आ रही हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के थ्रू होता है। आज मैं ज़रा आप लोगों को उसी नर्वस कोऑर्डिनेशन के न्यूरॉन्स के बारे में बताती चलूँ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली व्हाट आर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स है क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल्स द नर्वस सिस्टम हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, डेट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, दैट स्पीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन, पहले मैं बुक को रीड दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल पे जाऊँगी। अ न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स, दीज आर द सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस टू इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस अमंग वेरियस बॉडी पार्ट्स। नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज डेट ट्रेवल्स थ्रू न्यूरॉन। द नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन। अ टिपिकल न्यूरॉन हैज थ्री मेन पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन एनसर्कलिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। वन आर मोर शॉर्ट प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी, देयर फंक्शन इज टू ब्रिंग द इम्पल्सिस टूवर्ड द सेल बॉडी। एक्सॉन इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक अनब्रांच प्रोसेस विच एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेल बॉडी, इट टेक्स नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन्स ऑफ लार्ज न्यूरॉन आर जनरली कवर्ड बाय अ वाइट शीट कॉल्ड माइलिनेटेड शीट, माइलिन शीट। This sheet is made of petty material which insulates the axon. The sheet is broken at different intervals called nodes. The distance between two nodes is covered by a Schwann cells. अच्छा, ये यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर न्यूरॉन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को शो किया गया है। देखिए ज़रा आप लोग पहले अपने बुक में देखिए, ये डेंड्राइट्स है जो कि ब्रांच्ड आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये बीच में सेल बॉडी, ये फिर एक्सॉन है जो कि डेंड्राइट का एक एक्सटेंशन है, फिर उसके ऊपर ये आप लोगों को ये बीच बीच में ये देखिए, ये आप लोगों को ये येलो कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली माइलिन शीट। बीच में आप लोगों को एक रेड स्पॉट नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली श्वान सेल्स। और जगह जगह पर ये श्वान सेल्स टूटी हुई हैं, माइलिनेटेड शीट, जगह जगह पर आप लोगों को गैप्स नज़र आएंगे। एक्चुअली दीज गैप्स आर नोड्स ऑफ रेनवियर और फिर ये एग्जॉन टर्मिनल्स, ठीक है, ये एग्जॉन टर्मिनल्स। टिपिकल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को कहा, पहले चले स्ट्रक्चर पे जाने से पहले ज़रा आप लोग नर्व इम्पल्स को देख ले। आप लोगों ने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम
में न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को कैरी करते हैं। नर्व इम्पल्स एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, ठीक है। वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, आप लोग फिजिक्स में ये फिनोमेना अच्छी तरीके कार से डिस्कस कर चुके हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के कभी इलेक्ट्रिकल कभी केमिकल, जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि टू टाइप्स की कोऑर्डिनेशन है, एक इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन, और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि केमिकल्स के थ्रू होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड पे मूव करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स के थ्रू होता है। अब ये याद रखिए कि कभी इलेक्ट्रिकल कभी केमिकल, कब इलेक्ट्रिकल होगा कब केमिकल होगा, पहले इस बात को समझने से पहले ज़रा आप लोग इस स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल दें, ठीक है। सेल बॉडी में मैंने लिखा है, पहले मैं फंक्शन पढ़ा देती हूँ, फिर मैं डायग्रामेटिकली उसको क्या कर देती हूँ, डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस करवा दूँगी। सेल बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि जिसका काम क्या है, जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ठीक है। डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को आपकी बुक में दिखा भी दिया है। एक्सॉन्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। माइलिन शीट इंसुलेशन का काम करता है। अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 में हमने स्किन एज अ ह्यूमन स्टैटिक ऑर्गन पढ़ा था ना, मैंने वहाँ पर आप लोगों को कहा था कि फैट्स इंसुलेशन का काम करते हैं, स्किन के ऊपर ये फैट्स पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में, जो कि इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन मीन्स कि बॉडी को कूल रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर आप लोगों को माइलिन शीट का फंक्शन समझा रही हूँ कि ये एक फैटी लेयर है जो कि इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का काम कैसे, कि ये इंफॉर्मेशन को जो नर्व इम्पल्सिस न्यूरॉन में ट्रेवल कर रही है, बिल्कुल उसको अपने पाथवे पे लेके जाती है, ठीक है, इधर उधर डिसमिस होने से या फिर अपने पाथवे से इधर उधर जाने से उसको बचाती है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक स्पेसिफिक पाथवे प्रोवाइड करती है कि उसमें मूवमेंट करें। नोड्स ऑफ रेनवियर जो कि मैंने आप लोग को बुक में दिखा दिए हैं, ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को स्पीड अप करते हैं, नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करते हैं, जबकि श्वान सेल्स क्या करते हैं, श्वान सेल्स रिपेयर करते हैं किस चीज़ को, माइलिन शीट अगर किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो ये दोबारा श्वान सेल्स उसको क्या करते हैं, श्वान सेल्स दोबारा उसको रिपेयर करते हैं। ज़रा आप लोग डायग्रामेटिकली अब देख ले इसको, ये देखिए ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये डेंड्राइट्स, ये सेल बॉडी, ये फिर एक डेंड्राइट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, ये आप लोगों को माइलिन शीट, ठीक है, नज़र आ रहा है। माइलिन शीट देखिए यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं है, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये माइलिन शीट के फोल्डिंग्स, अगर आप इस एक्सॉन को ऐसे काट लेना तो देखिए ये आप लोगों को नज़र आएगा, इसमें ये एक्सॉन्स, ये देखिए ये माइलिन शीट के फोल्ड्स, ठीक है, जो कि इंसुलेशन का काम करती है, और ये श्वान सेल का न्यूक्लियस। कभी कभार बच्चे इस माइलिन शीट और श्वान सेल्स में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दिस इज़ एक्चुअली श्वान सेल और दिस इज़ न्यूक्लियस, यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट मीन्स कि जब माइलिन शीट का बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिर इसके ऐसे फोल्डिंग्स बनते हैं, एक्सॉन्स के इर्द गिर्द ऐसे फोल्डिंग्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो दिस वन इज़ माइलिनेटेड शीट एंड दिस वन इज़ श्वान सेल्स, फिर ये जगह जगह पर आप लोगों को काटा नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ नोड्स ऑफ रेनवियर, और ये साथ में आप लोगों को ये एक्सॉन्स टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को लेंगे, सेल बॉडी उसको प्रोसेस करेंगे, एक्सॉन उसको आगे ट्रांसमिट करेंगे, एक्सॉन्स बटन के थ्रू दूसरी न्यूरॉन को मिलेंगे, श्वान सेल्स माइलिनेट शीट को रिपेयर करेंगे, माइलिन शीट इंसुलेशन का काम करेंगे, एंड नोड्स ऑफ रेनवियर उसको स्पीड अप करेंगे। ये दूसरा डायग्राम आप लोग देख ले, इसमें और भी ज़्यादा क्लियर है। देखिए ये एक न्यूरॉन में देखिए ये आप लोग को एक्सॉन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये माइलिन शीट के फोल्ड्स है, और दिस वन इज़ श्वान सेल्स, ठीक है, ये श्वान सेल का न्यूक्लियस आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब
मैंने बता दिया कि सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को लेंगे, सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, जबकि डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को लेंगे, सेल बॉडी को देंगे, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन्स लेंगे, एक्सॉन्स को आगे ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। माइलिन शीट इंसुलेशन का काम करेंगे, नोड्स ऑफ रेनवियर उसी ही नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करेंगे, और श्वान सेल्स अगर कहीं पर माइलिनेटेड शीट डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसको दोबारा रिपेयर करने का काम करेंगे, ठीक है। और एक्सॉन्स बटन के थ्रू एक न्यूरॉन से फिर इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीक़ेकार से डेंड्राइट लेंगे, सेल बॉडी प्रोसेस करेंगे, एक्सॉन्स को पास करेंगे, और एक्सॉन्स बटन या फिर टर्मिनल्स के थ्रू फिर दूसरे न्यूरॉन को मिलेंगे। अच्छा, अब ज़रा आप लोग यहाँ पर देखें, अच्छा एक दूसरी बात, आप लोगों के बुक में लिखा है नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्चुअली इसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर क्यों कहते हैं? ये नोड्स ऑफ रेनवियर, देखिए ये एक बंदा था लुइस एनेटॉन रेनवियर, फॉर द फर्स्ट टाइम इसने इस नोड्स को न्यूरॉन में स्टडी किया था, ठीक है, इस गैप को स्टडी किया था और इसके फंक्शन के बारे में बताया था कि ये क्या करता है, ये न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन को स्पीड अप करता है, नर्व इम्पल्स को स्पीड अप करता है, इस वजह से उसने अपना नेम दे दिया, ठीक है। ये एक फिटोलॉजिस्ट था, साथ ही साथ में एनाटोमिस्ट भी था और हिस्टोलॉजिस्ट भी था, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम रेनवियर ने इस नोड्स को न्यूरॉन में स्टडी किया था तो उसने अपना नेम दे दिया कि नोड्स ऑफ रेनवियर, जो कि इंफॉर्मेशन को स्पीड अप करते हैं, और ये गैप्स हैं, ठीक है, जो कि श्वान सेल्स हर एक श्वान सेल के बाद आते हैं, ठीक है, और ये जिस न्यूरॉन के ऊपर पाए जाएंगे तो वो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब आप लोग ज़रा वाइट मैटर और ग्रे मैटर को ज़रा टिटबिट में देख लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड एक्सॉन्स फॉर्म द वाइट मैटर एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स डेंड्राइट एंड सेल बॉडी फॉर्म द ग्रे मैटर। अच्छा, अब दो किस्म के न्यूरॉन्स है, वाइट मैटर एक वाइट मैटर को बना रहा है, दूसरा ग्रे मैटर को बना रहा है। वाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट आप लोग पहचान चुके हो, उसके ऊपर माइलिन शीट होगा तो उसको हम वाइट मैटर कहेंगे, ठीक है। और इस न्यूरॉन्स में इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से जाएगा क्योंकि माइलिनेटेड शीट एक्सॉन को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन इधर उधर ना जाए, ठीक है ना, डिस्पर्स ना हो, बल्कि उसको एक अपना पाथवे प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर देखें, इसको डिस्पर्स होने से बचाता है, ठीक है, बल्कि उसको एक अपना पाथवे प्रोवाइड करके उसको आगे ट्रांसमिट करता है। दूसरा है ग्रे मैटर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ग्रे मैटर में इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू वाइट मैटर जो कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन नर्व इम्पल्सिस तेज़ी से मूवमेंट करेंगे एज़ कम्पेयर टू ग्रे मैटर। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं, और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या करते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हो सकता है कि इसमें इंफॉर्मेशन डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि देखिए इंसुलेशन तो अब हो नहीं हो रही है, तो अब जब इंसुलेशन नहीं होगी तो फिर डिस्पर्स होने का ख़तरा होता है, तो डिस्पर्स होने के ख़तरे से ख़ुद को बचाने के लिए ये इंफॉर्मेशन को एज़ कम्पेयर टू माइलिनेटेड एक्सॉन ये थोड़ा सा कम उसमें वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ ना, तो मैं आप लोगों को ये बता दूंगी कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स 10 टाइम्स फास्टर इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। अब आप लोग सब कुछ जान चुके हो न्यूरॉन के बारे में, ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कभी इलेक्ट्रिकल तो कभी केमिकल इंडक्शन होती है, ज़रा आप लोग इसको देख ले, ठीक है। इलेक्ट्रिकल तब होगी जब दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज पड़े होंगे, तो तब इलेक्ट्रिकल इंडक्शन ट्रांसफ़र होगी। लेकिन केमिकल कब होगी? जब दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होगा, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप पाया जाएगा, तो उसी दो न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल इंपल्स कैरी होगी। इलेक्ट्रिकल इंपल्स तब होगा जब दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब मौजूद होंगे। केमिकल कब होगा? जब दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा तो तब वो केमिकल सिक्रीट करेंगे और दूसरे न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा था न्यूरॉन के बारे में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बेशक वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।